चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान सहित कई देशों में बढ़ते कोरोना केस को लेकर एक तरफ भारत में तैयारी तेज है तो दूसरी तरफ कोविड के वेरिएंट के सब वेरिएंट XBB.1.5 के 5 संक्रमित केस देश में पाए गए हैं। यही वेरिएंट अमेरिका में संक्रमण के मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। इस कॉन्ग के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इन 5 मामलों में से 3 मामले गुजरात और 1 कर्नाटक तथा राजस्थान में सामने आए हैं। XBB.1.5 वेरिएंट ओमिक्रॉन के XBB स्वरूप से ही संबंधित है। अमेरिका में संक्रमण के 44% मामले XBB और XBB.1.5 के हैं। इंसोकॉन्ग ने अपने बुलेटिन में कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप और इससे उत्पन्न अन्य स्वरूप भारत में प्रमुखता से बने हुए हैं, जिसमें कि SBB प्रमुख है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार 3 जनवरी को सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 134 नए मामले आए हैं, जबकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम होकर 2582 हो गई है। भारत सरकार की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत के किसी हवाई अड्डे पर पहुंच रहे यात्रियों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है, भले ही उन्होंने मूल रूप से किसी भी देश से यात्रा शुरू की हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सोमवार को नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखा पत्र में कहा कि कुछ देशों, विशेष रूप से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान में कोविड-19 के मामले बढ़ने के संदर्भ में दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है, जो 1 जनवरी से प्रभाव में आए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।